ओपन एंड रिले फ़ोन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ऑडियो कार्ड है, ट्रांसफार्मर है, रजिस्टर्स है जो हम वीडियो सर्किट बना रहे हैं, और वेयर बोर्ड है, ऑडियो जैक है, और करंट ट्रांसफार्मर, ये तो सेकंड उसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि एक इनालॉग हमारे पास वोल्टेज इन करंट सिग्नल, हम क्या करें वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करें यूजिंग एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि ऑडियो कार्ड है हमारे पास। एंड डिस्प्ले अटैनमेंट लेवल मेटल लैब सिमुलेशन एनवायरनमेंट में हम इसको डिस्प्ले करेंगे, एक साइन वेव हमारे पास आएगी, वो सब चीज़ इसमें हम कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, सबसे पहले जो आप सर्किट बनाएंगे तो सर्किट की कंपोजिशन इस तरह है कि आप दो रजिस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, और दो आप कितने भी, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो वी नॉट आप निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो आप कितना निकाल रहे हैं, आपके पास जो वेव आएगी तो वो कैसे सिंपल सेटिंग नहीं, बल्कि एक सिंपल साइन हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो मैंने वन ई या वन से लेस, लाइक वन और माइनस वन के बीच में मैंने एक हमें वो आना चाहिए वोल्टेज, तो उसके मुताबिक आपने सेटिंग करनी होती है जो हम ट्रांसफार्मर से दे रहे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वो होता है भेजे मतलब जो जनरली होता है वो 12 वोल्ट होता है, लेकिन इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जो मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है इसमें तकरीबन है 13 समथिंग, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 13 या 13.5 या जो भी होता है ना, मेरे पास 14 आ गया, आप लोग पे डिपेंड करता है, तो आप इसको दे देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप दो रजिस्टर लगाएंगे, एक रजिस्टर आपने लगा दिया, अब आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक चेक करेंगे हमारे इस तरह के, हमने एक एक चेक करा कि भाई कौन सा, और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कौन से कौन सा क्या नाम है, कौन सा रजिस्टर हम लगा दें इसके साथ सीरीज या पैरेलल में, ताकि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाए, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट या 1 से कम आ जाए, लाइक 0.8 0.9 0.9.6 इस तरह ना, 0.96 इस तरह। तो जो मैंने जो दो रजिस्टर यूज़ किया है कि है हमारे पास 470 और दूसरा है 6.8 के, तो 470 और 6.8 के जो दो रजिस्टर्स हैं ये हमने पोटेंशियोमीटर के साथ लगाए हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का एक जो पोर्ट है वो आप देख सकते हैं, राइट वाले के साथ लगा हुआ है एक इसके साथ। हमने लेना क्या है कि जिस पर हमारे पास वो आ रही है वैल्यू वोल्टेज की, 1 आ रही है या लेस देन 1 आ रही है, उस पर हम क्या कर लेंगे, उससे हम दो तारे ले लेंगे, एक उससे ले लेंगे और एक पोटेंशियोमीटर के सेंटर से ले लेंगे, ठीक है। अब जो दो तार ये हमने वायर्स ले ली, हम ये किधर जा रही है, ये हम लगा रहे हैं इस चीज़ में, ये क्या चीज़ है, ठीक है, ऑडियो चेक या ऑडियो कार्ड है जो भी है, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो चीज़ है ये है हमारे पास ऑडियो कार्ड है ना, हाँ ये ऑडियो चेक। तो सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं, तो देखते हैं क्या, ठीक है, मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सिमलिंग पे मैं बनाऊँगा ये चीज़ थोड़ा सा वो ब्लैंक, तो इसमें सबसे पहले तो मैं एक बार सर्च करूँगा, ये सही है, सो ये आ गया गेन आ गया। फिर इसके बाद जो दूसरी वो क्या चीज़ है, टाइम स्कोप, सही है, टाइम स्कोप ये आ गया, टाइम स्कोप ये आ गया। उसके बाद ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह ये नीचे आप आएंगे तो ये हमारे पास है कि ये आया ऑडियो रिकॉर्डर, ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद कनेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ट्रांसफार्मर को ऑन करता हूँ कि कैसे, ऑन करने से पहले आपने अपने ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेक करनी है कि कितनी आ रही है। तो ये मेरे पास आ रही है 14.4 या। फिर उसके बाद मैंने इधर रजिस्टर के क्रॉस देखने के लेस देन 1 हमारे पास आना चाहिए, इतना मैंने अपने पोटेंशियोमीटर को क्या करना है घुमाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इधर इसके और अच्छा, जो पोटेंशियोमीटर है ये उसमें भी काम आती है, हमारे पास जो है वो आती है इधर, तो उसको पल्सेटिंग और साइनसॉइड में जो डिफरेंस होता है वो हम पोटेंशियोमीटर से दूर कर सकते हैं। मैंने लगा दिया माइक्रोफोन, ठीक है, अभी ये मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही,
मैंने दोबारा स्टार्ट करना था, मैंने टाइम चेंज करना है, टाइम ड्यूटी टाइम मैंने रखनी है 0.0 रख लेता हूँ, 0.2 रख लेता हूँ। मैंने करना है इसको ऑन, डिस्टॉर्शन नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक है, दोबारा इसको ऑन करते हैं, ठीक है। अब ये इशू क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों है। मेन मसला क्या है, पोटेंशियोमीटर जब मैंने लगाया है तो जो बीच में रेजिस्टर जो पोटेंशियोमीटर है जैसे रेजिस्टर एक्टर है उसकी वैल्यू पे सारा डिपेंड करता है, डिस्टॉर्शन नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगी वैल्यू सही आएगी, देखिए तो ये चीज़ पर सारा डिपेंड कर रहा है पोटेंशियोमीटर पर। अब पोटेंशियोमीटर मैंने और घुमाना है और आपको दिखाना है कि क्या चीज़, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो है 0.3 तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये बढ़ रही वैल्यू हमें ये नहीं चाहिए, हमें 1 और -1 के इसमें चाहिए। अब देखिए जितनी मैं रजिस्टर की क्या नाम है पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो ये देखिए अब करीब आ रही है, ये +1 ये -1। अब मैंने थोड़ा सा और इसको क्या करना है चेंज करना है ताकि बिल्कुल उनके सेंटर उनके उसमें आ जाए, लेट्स सी, और बिल्कुल खराब हो गई, तो ये हो गई बिल्कुल नहीं चल रही बिल्कुल, थोड़ा और चेंज करो आ गई है लेकिन बढ़ गई वीडियो, थोड़ा और कम कर लेते। अरे अच्छे दिन आप लोगों को पता किस चीज़ से चल रहा है, जैसे मैं 0.9 से ऊपर जा रहा हूँ तो देख मेरे पास जो वेव आ रही है वो चेंज हो रही है, ठीक है, उसमें रिपलिंग आ रही है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लें, लाइक मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, बीच में कॉल आएगी। तो आप देख जैसे मैं उसे कम कर रहा हूँ थोड़ा वीडियो तो 0.1 से नीचे आ रहा हूँ, आप लोग देखें बिल्कुल सेट हो रही है -1, 1, ठीक है। तो इनकी यदि 0.8 है तो इससे थोड़ा सा हम नीचे आ जाए 0.9 स्टार्ट हो जाता है। 0.9 से अगर मैं अपने वीडियो को ज़्यादा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाए डिस्टॉर्शन आ रही है, इसमें क्या हो रहा है वो जैसे कट हो रही है ना वीडियो, उसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको रिपलिंग नहीं की और नाम इतना अच्छा वो इसमें आ जाती है इसके बाद। तो मैं क्या करूँगा इस वीडियो को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, अब देख तो ये क्या होता है इसका ये बिल्कुल सीधा रहा है, ठीक है, थोड़ा और मैं कम कर लेता हूँ तो फिर देखते क्या, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब हम अप्रॉक्सीमेट ये कहते 0.9 पर हमारे पास वे बिल्कुल सेट आ रही है। अच्छा, अब ये हमने बगैर गेन के करा, गेन क्यों है, गेन हम एम्पलीट्यूड को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है इसमें गेन भी लगाने बीच में, तो आप लोग वो भी देख लें, ठीक है, इसको डिलीट करो बीच में लाओ, ये हो गई ये समझाते, ठीक है। अब गेन को किस तरह फाइंड करना है, गुड क्वेश्चन। तो गेन के लिए एक और मैंने कैलकुलेशन की वो भी दिखाता हूँ लोगों के साथ, लेकिन चलो इसी गेन को 1 पुट करते हैं क्या वैल्यू आ रही है और फिर चेंज भी कर देते हैं उससे क्या आती है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, गेन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ हमारे पास, क्यों एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि गेन मैंने चेंज नहीं करा। अब गेन जो आप लोग 1 पुट कर रहे हो ना ऐसे कुछ नहीं होता, 1 क्यों पुट कर रहे हो आप, गेन अलग चीज़ है, गेन अभी निकाल के मैं बताता हूँ। ये अब ये क्या नाम है हमारे पास जो हम इनपुट वो दे रहे हैं, ठीक है, जो हम फाइंड करें कि हमारे पास कितनी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, जो रजिस्टर हमने लगा दी 14.4 × 70 × 14.3 में नीचे इन हम प्लस करें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आ जाती है उसे क्या है कितनी आ जाती है वो 0.92 आ जाती है, ठीक है। अब फिर हम क्या करें गेन को फाइंड करने के लिए हम क्या करें कि इनपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट, इनपुट और इनपुट हम कौन सा इनपुट लेंगे, 220 तो हमारे पास है लेकिन ये RMS है, तो इसमें हम क्या पीक में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे हमारे पास 311 पीक आ जाएगी इस चीज़ की जो हम इनपुट दे रहे हैं, और नीचे हमारे पास एक पीक आई है जो किसने पोटेंशियोमीटर जो सॉरी मल्टीमीटर ने हमें बताया उसमें ना आउटपुट पर रजिस्टर के, तो इन सबको कैलकुलेट करके मेरे पास गेन कितना है 338.18। हमें 338.18 अब गेन को मैं चेंज करता हूँ 338.15 लिख लें या 5 भी लिख लें, अप्लाई कर लेते हैं, ओके अच्छा बिस्मिल्लाह, अब देखते हैं, ठीक। अब इसने वीडियो क्या कर दी, चेंज कर दी, लेकिन थोड़ी क्या करी बढ़ा दी वीडियो, तो हम किसी से एडजस्ट कर सकते हैं नहीं बल्कि सही है, हाँ
एडजस्ट करते हैं हम किसी पोटेंशियोमीटर से, किसी पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा घूम गया रजिस्टर के ऊपर आ गया, तो देखते हैं क्या सीन बनता है इसका। 300 तक बन गए, ये बिल्कुल एक रेक्ट आ गई 230 250 200 की दरमियान है, तो मतलब ये है कि 230 या 220 हम दे सकते हैं उसको, थोड़ा सा परसेंट के इसमें आता है। अब मैं मेजरमेंट भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास जो पीक टू पीक वीडियो आई है 450, तो 450 को हम क्या करें 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जस्ट पीक वीडियो कितनी आ गई 225, तो मतलब नियर इक्वल टू 220, ये सारी वीडियो हमारे पास आ गई है। फिर उसके बाद अच्छा जो मैक्सिमम वीडियो हमारे पास आ सकती है वो आ सकती है 230, और जो मिनिमम आ सकती है वो कितनी आ सकती है 218, माइनस एन का इग्नोर करें तो मतलब 218 और 230 के दरमियान हमारी सारी जितनी भी हैं वे भी बहुत चल रही हैं। ये सारा हो गया मेरी तरफ से, और जो दूसरा है उसका सीढ़ी का, तो सीढ़ी का भी इसी जैसे सीढ़ी को क्या करो किसी भी तार के उसके अक्रॉस लगा लो एक ही तार के अक्रॉस, और उसे अब क्या करो उसका जो क्या नाम है जैक या जो भी है उसमें लगा दें, ठीक है, और उससे भी इस तरह ही एक हमारे पास क्या हो जाएगी एक वेब क्रिएट हो जाएगी और इनके वेब रिपोर्ट बना सकते हैं।